मालूम जा रहे हैं गाड़ी का नंबर प्लेट लगवाने। सुंदर भैया देखो, सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद, मैं जा रही हूँ भाई के साथ। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि भाई गया है, एक मिनट, भाई गया पीछे बात करने गाड़ी नंबर प्लेट की। सो मैं वेट कर रही हूँ उसका कार में, लेट्स सी कब आता है। बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, हम तो ठीक है। ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना। आज हम जा रहे हैं मजनू के टीला। हम ट्राई करने वाले हैं आज कोरियन फूड। सबसे पहले हाँ, गंदी जगह तो है क्योंकि मम्मी वहाँ जाके ऐसा लगता है कि कोई दूसरा ही प्लैनेट है जितना मैंने देखा है। तो वहाँ पे हम जाएंगे कोरियन फूड ट्राई करने, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। मैं, मेरी फ्रेंड जा रहे हैं और यहाँ मम्मी मुझे मेरे घड़ियाल पहनाती हुई मुझे, क्योंकि मैं जब भी पहनती हूँ तो ये खुल जाता है रास्ते में। क्या बोली? क्या बकवासी घड़ी ली है, पहनी नहीं। सही तो है, बस वो लूज है। गाइस यहाँ मेरी मम्मी मेरी मेहनत की कमाई हुई वो वॉच को, वॉच की बुराई करते हुए। तो अभी छाया आने वाली है मेरे घर के नीचे और फिर हम वहाँ से निकलेंगे, फिर हम खाएंगे। तो मैं पूरा दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खाया और इसका टेस्ट कैसे होता है। 100 घंटे लग जाएंगे वो, मुझे After 1000 years ago वॉच पहने, मुझे तो लगता है शायद हो गया काम मेरा। हाय 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 गाइस, जैसे राक्षसों की तरह मेरी मम्मी ने मुझे वॉच पहन देखा ना बेटा। गाइस मैंने वॉच पहन ली है और ये मेरा आउटफिट है। अपने भाई की जैकेट चुरा के मैंने पहनी है, डेनिम ऑन डेनिम। मैंने मैंने कैसे लगा, और नीचे मम्मी का ब्लाउज पहना है। अच्छा गाइस ये मेरा आउटफिट है। मजनू के टीले की गलियों में, टीला के टीले की। एंड अभी हमें जिस कैफे में जाना है, हम उस कैफे का रूट देख रहे हैं कि कहाँ है, ये पूछना पड़ेगा हमें क्योंकि इट्स वेरी वाइड। हमने अपना कैफे ढूंढते ढूंढते पूरे 15 मिनट होने वाले हैं और हमें अभी तक नहीं मिल रहा, और छाया पीछे से पूछ रही है कि कहाँ है कैफे। और इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, देखो रास्ता देखो, इसका बोर्ड यहाँ लगाया है, यहाँ कहाँ, किसी को कैसे दिखेगा अगर कोई बाहर से आ रहा है, उसे कैसे दिखेगा। बट हम एट लास्ट पहुँच रहे हैं, पहुँच गए हैं। तो प्लीज़ वहाँ से कट ले लेना क्योंकि बहुत अंदर जाके है ये कैफे, इतने सारे भोज के साथ इतना सा मिक्स हो रखा है। ये भूटानीज है, लिफ्ट ले रहे क्योंकि नहीं, लिफ्ट नहीं ले रहे क्योंकि चलते जा रहे हैं। इसके एस्थेटिक्स देखो, इसके एस्थेटिक्स पता नहीं क्या बना है पर बता दी लग रहा है।
वेज है तो ले लो गाइस। हम यहाँ पे अपना मेन्यू डिसाइड करेंगे हम क्या ले, और इसकी सिटिंग कुछ ऐसे है, आपको ऐसे कंपार्टमेंट सा दे देंगे एंड यू हैव टू सिट जैसे छाया बैठी हुई है वैसे ही, और जैसे मैं बैठी हुई हूँ एंड यहाँ पे मेरे साइड में दूसरा है। हाँ तो अपना डिसाइड करें कि प्लैटर ले या क्या ले। ये इनका शेक्स का मेन्यू है, मेन्यू दे रही हूँ सॉरी। भाई पैसे तो देखो, हाँ 750 बोबा तो मैं नहीं ले रही, ठीक है आई एम नॉट अ बोबा लवर। बोबा बोबा तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो हम आपको मेन्यू भी दिखा देंगे कि क्या क्या मेन्यू है। ये इनकी प्लेट है, क्यों भाई घूम, चलो भाई इतना बड़ा मेन्यू, ऐसा लग रहा है कि बुक ही पढ़ रहे हैं आप अपने टेंथ की। आप देख लेना मतलब फ्लिप थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि मैं से किसी का मेन्यू डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है चलो चलो चलो। बस बस आगे करते, वो तो पॉज करके देख लेंगे लोग ख़त्म, और बाकी इन सब की फ़ोटोज डालूंगी। कैसे मेरे न्यूज को सारी, कैसे मेरे ब्लॉग्स के चाहने वालों, तो वी आर सो एक्साइटेड कि हम पहली बार तूने करो मेरे ट्राई और वो सेम ही जगह पे गई थी, सोचो जब पहले गई थी तब उसको मूड बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब सेकंड टाइम गई तो उसका हो गया। लेकिन अब हम थर्ड मतलब ये थर्ड टाइम आई है यहाँ पे और न्यू चीज है, तो हम लेट्स सी यहाँ पे। फर्स्ट आइटम इज हेयर, वो छाया नाम बताएगी क्योंकि नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, तो छाया टेस्ट करके बताएगी। चापसे कुछ भी होगा तो गाइस छाया को ही होगा, चीज पफ्स को पानी का पिघला के ले दिया। अगर देखो आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो कितना करेगी इस डिश को? 1 मैं ट्राई करूंगा। मैं थोड़ा सा मूविंग में डर लग रहा है। सही कह रही बिल्कुल, चीज पफ्स को लिक्विड फॉर्म में करके दे दिया और ये पत्ते वत्ते डाल दिए। कलर भी अच्छा नहीं लग रहा ना, गेंस मिलेंगे भाई काले काले। चुपसी हुई है, चुपसी कि ये इसके नीचे मेरे को लग ही रहा था कि कुछ है, इसके नीचे ये आया भाई, ये प्लैटर हमने ऑर्डर किया था और ये अटड़ा, और ये मेरा ये चाय की गोल गोभी, ये मेरे किटकैट शेक, अब हम ये खाएंगे और देखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या, ये क्या छाया, स्टीम्ड राइस, हाँ ये श्रेडेड वेजीज हैं, ठीक है, इसमें टोकी एंड ग्लास नूडल्स हैं। ओ भाई ग्लास नूडल्स डोप लग रहा है, और ये साइड स्प्राइट स्प्राउट है, और किमची है टाइप, किमची का है, अच्छा ये भी किमची है, ये ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ किमचीज हैं, कुछ कैबेज की है, गरीबों देखा है कभी, पोटैटो की है, अभी इसको हम सोया सॉस है खाएंगे फिर देखते हैं, भाई सही लग रहा है। चाय ने अपनी प्लेट में डाला है स्टीम राइस और पता नहीं क्या डाल दी उसके साथ में,
मैं तो गोभी खाऊंगी क्योंकि मैंने वो कभी खाया नहीं है, और मेन चीज यही है, और मुझे कॉफी मतलब यूज करने नहीं आता, मुझे फ्रूट नहीं। चम्मच डाल ऐसे दिखता तो तू सॉसेजेस जैसे। अब मैं इसका फूड चेक, उसको बोलूंगी फूड रिव्यू, बहुत बड़ी फूड ब्लॉगर हूँ। किमची ट्राई कर रही हूँ, मैं अपने खाते हुए दिखाती हूँ। गाइस ये है क्या चाहे हाँ ये चिक कोरियन लैंग्वेज में है गमचा करोके, और हमारी इंडियन लैंग्वेज में है पोटैटो डीप फ्राई। अब चाय इसको खा के बताइए, लेट्स गो चाय। अभी बहुत गर्म है ना, अब तो क्या हो गया, मैं खा के दिखाती हूँ। चाय बहुत कमरा चाय है, इसे दिखता है अंदर से आलू 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 वैसे है ना मखेन वाले कुछ अलग है, लग रहा है कुछ अलग इसके साथ खा के देखिए भाई। हमने हाराजुगु में भी यही किया चिली ऑयल वाला के साथ लगा लगा के। भाई कोरियन फूड एक चीज़ है, उनका खाना थोड़ा सा ब्लैंड होता है, ये चीज़ तो है। कुछ कुछ चीज़ें स्पाइसी थी तकबोकी और ये सब सही। चाय बोल रहे हैं कि नॉन वेज में बहुत वैरायटी, लेकिन वेज में नहीं है, तो वेज में लिमिटेड है। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जब आपको पूछ भी रहे हैं तो दे आर आस्किंग कि उसमें एग है या नहीं है, है ना, मतलब एग वाला सीन है। हमसे भी पूछा था पटाटो वाले, हमारा खाना पीना हो चुका था, अब हमने स्वीट डिश में मंगवाया है न्यूयॉर्क चीज़ केक। दो दो स्पून आ गए, और ये है चाय का। क्या 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 कह रही है, कैसा है चाय का पीना है, मतलब ऐसा है कि वो नहीं लग रहा कि चाशनी दे दी मैं अपने वाले का खाके दिखा दूँ, मेरा वाला न्यूयॉर्क चीज़ है। अच्छा है, ठीक है, काफ़ी यूनिक सा है। खाना पीना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने, और देखते हैं क्या कैसे रहता है मार्केट का टूर। और आज का एक्सपीरियंस भी मैं छाया जी से पूछना चाहूँगी, छाया जी अगर आपको इस एक्सपीरियंस को रेट करना हो तो आप कितना करेंगी? छाया बहुत बिजी हूँ। फाइव, हाँ मेरा भी अकॉर्डिंग इतना ही। फर्स्ट टाइम ट्राइंग कोरियन फूड अच्छा था,
ठीक है, मतलब हम ऐसे इंडियंस जो बहुत स्पाइसी और तड़केदार खाना खाते हैं उनके लिए तो थोड़ा वैसे हो जाता ना कि फीका फीका फुकुस खाना क्यों दे दिया। हाँ भाई, ये डॉग देखो इतना डोप था ना, ये डब्ल्यू डॉग भाई बहुत मस्त आई। और ये दो थे ये छाने की फोटो ली, पर ये दो थे। और अभी हम इस ब्लॉग को यही खत्म करेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, मिस मी, सी यू इन अनदर ब्लॉग। तो थोड़ी सी ना मेरे को दोस्तों नींद आ रही है यार, अब तो सोऊंगा।